गुरुजी के चरणों में सादर नमन। गुरुजी, मेरा नाम गौरव भारद्वाज है, मैं मथुरा से हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं कल जो प्रश्न पूछना चाहता था, आपने सुबह उसका उत्तर दे दिया, जीव और आत्मा के विषय में जो अंतर बताया आपने। लेकिन गीता में आए हुए जीवात्मा जो शब्द है, उसका आशय जानना चाहता हूँ, और मुझे साधना संबंधी भी प्रश्न है। दो प्रश्न हो गए। जीवात्मा क्या, देखो संक्षेप में अभी मैंने उसको कहा कि वो चीज़ पूछे जिससे लाभ हो। तो दो प्रश्न, एक प्रश्न पूछ लो, जो मर्जी आए बोल दूंगा। हाँ, तो मैं साधना संबंधी प्रश्न पूछना उचित समझता हूँ। तो साधना संबंधी प्रश्न ये है कि गुरुजी कि जो पतन होता है, पतन से बचने का उपाय क्या है? जरा स्पष्ट करें, किसका मतलब, संसारी व्यक्ति का, साधक का? साधक का। किस तरह का पतन, जरा स्पष्ट करें, तभी तो उत्तर दे पाऊंगा। स्पष्ट करता हूं, मैं स्पष्ट बोलना नहीं चाहता। अच्छा, मैं घुमा के बोल दो, अगर समझ पाऊंगा तो घुमा के ही उत्तर दे दूंगा। मैं 5 तारीख से साधना कर रहा हूं, 5 जनवरी से। उससे पहले मैं आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ था, भक्ति मार्ग से। 5 तारीख से, जनवरी से मैंने साधना शुरू की, और सिर्फ 15 दिनों में मेरी कुंडली जागरण हो गई, और करीब 10 दिन में ऊर्ध हो गई, मतलब 25 दिनों में वो स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच गई। फिर उसके बाद में कुंडली लौट गई, पतन हो गया उसका। मैंने इस विषय में शायद दूसरी किताब में कुछ लिखा है, शायद तीसरी किताब में, यानी तत्व ज्ञान में मिल जाए, और वीडियो में देखिए कुंडली का पूरा परिचय उनमें मिल जाएगा। जो उग्रता में महसूस करता था वो उग्रता नहीं है, वो स्थिति नहीं है। मैं चाहता हूँ इससे बचने का उपाय, क्योंकि मन बहुत ही छिन्न भिन्न हो जाता है जब पतन होता है। दोबारा से मन को व्यवस्थित करना बड़ा मुश्किल है, और व्यवस्थित करने के बाद मैं मुझे मालूम है मैं व्यवस्थित कर सकता हूँ और मैं करूँगा, पर मैं दोबारा से पतन नहीं चाहता। इसीलिए आपसे निवेदन है, आपकी मैं शरण में आया हूँ, कि कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि दोबारा से ऐसी स्थिति ना आए। ऐसे साधक के लिए अपनी जो दृढ़ इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ पूर्वक, दृढ़ता बहुत होनी चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र का कुछ, मैं भी जरा घुमा के, कुछ विशेष प्रकार के संस्कार बाहर निकलते हैं कि वो चक्र एक ऐसे स्थान पर है जो सृष्टि का कार्य करने में सहायक भी है। जब कुंडलिनी शक्ति उस जगह आती है तो जो उस चक्र का स्वभाव या उस क्षेत्र का स्वभाव होता है, उस स्वभाव को नष्ट करने की कोशिश करती है। कुंडलिनी का ये है कि जड़ता, यानी जड़ तत्व और जल तत्व को नष्ट करती हुई, और अग्नि तत्व को बिखेरती हुई, यानी चैतन्यता को बिखेरती हुई, आगे का मार्ग प्रशस्त करती हुई ऊपर को ओर जाती है। तो उस क्षेत्र को पवित्र करने के लिए वहाँ पर स्थित, वहाँ से संबंधित संस्कार जो स्थित होते हैं चित्त में, उनको भी नष्ट करना जरूरी होता है। अब जो संस्कार हैं वहाँ से संबंधित चित्त में, तो दो तरह का, या तो योग कुंडली या अभ्यासी अपना संयमित होकर के उनको रोके, दबाए और कमजोर करे या भोगे। पहले जान लीजिए, सही बात यह है कि सभी अभ्यासी अगर कुंडलिनी उग्र है और वहाँ ठहरे तो प्रभावित होती। मेरी दूसरी किताब में आप पढ़ सकते हैं, मैंने इस पर लिखा, मैंने पढ़ी है, पढ़ी है। और मुझे बहुत डांट खानी पड़ी थी, इतना पत्र कड़ा आया था 1 महीने बाद उस, लेकिन मैं जानता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। 1 महीने साधना छोड़ दी, लेकिन जब जाना मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन पतन का विषय नहीं था, साधना छोड़ने का विषय था, और भी साधकों ने कहा। तो उसके लिए यही है कि उग्र साधना करें, और मन को पवित्र करने के लिए कुंभक को लगाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उड्डयन बंद बहुत सहायक है। निचले भाग को इतना जोर से खींचे, ऊपर को खींचे कृत्रिम रूप से,
और उसी को उसी अवस्था में बहुत समय तक बना रहे। एक समय ऐसा आएगा कि वो निचला क्षेत्र स्थूल रूप से निष्क्रिय जैसा हो जाएगा, संस्कार प्रभावित करेंगे। मुझे जरा स्पष्ट बोलना पड़ रहा, फिर भी थोड़ा रुक रहा हूँ, सोच रहा हूँ कैसे शब्द निकले। संस्कार तो निकलेंगे, स्वभाव है, चित्त में स्पंदन होता है तो संस्कार बाहर होंगे, लेकिन अभ्यासी को वो करना चाहिए। इसके लिए कुंभक से क्या होता है कि जब कुंभक ज़्यादा लगाएगा तो वृत्तियाँ ठहरने लगेंगी, ठीक है। जब वृत्तियाँ ठहरने लगेंगी और प्राणवायु और शुद्ध होगी, जितना कुंभक होगा चित्त में शुद्धता बढ़ेगी, तो वो संस्कार जितने शुद्ध होंगे तो उनकी जो अशुद्धता के कारण क्रियाशीलता होती है वो नष्ट होने लगेगी। सिर्फ मन में विचार आएगा, क्रियाशीलता नहीं आएगी, समझ गए। तो एक तो ऐसा करना, उद्यान बंद का और मूल बंद का बहुत ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। उद्यान बंद का जिसने अभ्यास कर लिया तो जरा मैं खुल के कह दूं, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है, अटल सत्य है। अब इस चीज़ को सभी जान लें, अपने द्वारा निर्णय कर लें। बस इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, साधकाएँ हैं, मैंने वीडियो में भी नहीं बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.